इम्पोर्टेंट है या बड़े से छोटा रेंज हो, सही से सोचिए इसको, इसके बारे में। एक बार यहाँ से नीचे गिरा, दोबारा यहाँ से नीचे गिरा, थर्ड टाइम वापस सेम उसी जगह से नीचे गिरा, सेम गिरा ना। अब गिरने के बाद यहाँ पे जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट आया जब, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। उसके बाद मार्केट ये जो हाई है वहां से मार्केट नीचे गिरते टाइम, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम का एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है। जब यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा तो इसका वॉल्यूम आपको क्या लग रहा है, सपोर्ट कर रहा है, डिक्रीज हो गया। ये जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे नीचे जाने के लिए। लेकिन सेम उसी जगह पे जब मार्केट अपसाइड जाने का तैयारी किया तो अपना वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीजिंग पोर्शन में आया, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा। यहाँ पे मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी नीचे जाने के लिए लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। लेकिन उसी जगह पे जब मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कंस्टेंट। अब उसके बाद ठीक यहीं से मार्केट रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काफी स्ट्रांग होता, हम बताए थे। तो ये इसका रेसिस्टेंस जोन है जहां से एक स्ट्रांग फॉल देखने को मिला था, सेम उसी रेसिस्टेंस जोन से फॉल देखने को मिला, ठीक उसी जगह पे देखिए कैंडल बना रेड, प्रॉफिट बुकिंग आया वहीं पे, क्लियर हुआ।